जो बात्या गत काली जो लैंडफॉल करी ताहा जदि कहिबा आमे भितरकनिका भितरे मध्ये यार प्रभाव पड़ी काहेकि ना भितरकनिकार जो हवाली खटी रही सेठी लैंडफॉल करथिला वर्तमान आम सहित अच्छा भितरकनिकार एसीएफ अच्छा मानस दास आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा सर गत काली जेतेबेले लैंडफॉल प्रक्रिया होता राति समय राति गोटे समय जो प्रक्रिया आरंभ कर लैंडफॉल प्रक्रिया जो बात्या दाना वर्तमान भितरकनिकार स्थिति कौन अच्छी आप को जगह विजिट कले कौन कौन क्षय क्षति जो जगार कौ जगार वर्तमान जो लैंडफॉल से जगार स्थिति कौन अच्छी वर्तमान सुधा नहीं बर्तन जो जगार गणमाध्यम द्वारा ही जानपारे भितरकनिकार जो हबाड़ी कटी जगह अच्छी से जगार ही बात्या लैंडफॉल कर जगह मैप्र जगह हबाड़ी कटी जगह कि से जगह बर्तमान आप्रोचेबुल नुह जो आम स्टाफ आम जेहेतु बात्यार ये थिला प्रकोप थिला आम से जो स्टाफ रहुथिले सब इवाकुएट कर देथिलु लैंडमार्क को जानवाकु पाइलु लैंडफॉल करिछि हवाळीकटी रे बात्या किंतु बर्तमान जेहेतु सेटा आप्रोचेबुल नुह पाग बर्तमान भलो नाही वर्षा होउछि पवन भी एबे भी चालीछि सेथिपे कोनोसी स्टाफ सेठी कि आप्रोच करना बर्तमान सुधा सेठिकार क्षय क्षति कौन है देखा किंतु आमर जो डांगमाल रहा गोटे इकोटूरीजम सैट रही से जगार प्रायत कौन इकोटूरीजम इनफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त होनी किंतु बहुत गच भांगी पड़ी ताक आम क्लीन करुचु बर्तमान मान द्रुतगति क्लीन कर बहुत कम समय भितर सक्सेस कले टूरीस्ट मैंने आसपर पुणी उपभोग करें भितरकनिकार सौंदर्य आमे गोटे दीटा टीम आम गठन कर इको टूरीजम ईटा को सेटल करने आम दीटा टीम आम कम कर लोक मान सेफ्टी बात्यार पर परिस्थितिटा लोक मान सेफ्टी आ रोड क्लीनिंग कम कर कंटिन्यू चल सर जी कहले कि ये जो मैप रे जमती आपण देखौतिले मु कैमरा पर्सन को कहबी टिके मैप देखेबे सर एठी रहिछि बे ऑफ बंगाल रहिछि ओ ये जो हवाली खटी कथा कहौतिले आपण ये जो रहिछि ये स्थान सर को जगह केमती कोन रहिछि टिके चित्र माध्यम रे सर हमरो जो रहिछन दर्शक समान गुडी बुझांतु सर एटा जे बे ऑफ बंगाल एटा जे बे ऑफ बंगाल हमरो बे ऑफ बंगाल रो एटा हमरो गहिरमथा मेरिन सैंक्चुअरी तार पाखापाखी रही हबाड़ी कोटी जोटा कि इको टूरीजम प्लेस यही जगह ही माड़ होती आम गणमाध्यम जानपर यही जगह लैंडफॉल करत्या तेणुक यही जगह जेहेतु लैंडफॉल करा क्रस कर धामरा पर्यंत जो जगार जेहेतु माड़ हो अधिक क्षय क्षति होती आम आशा करुचु कि जगह जेहेतु बर्तमान सुधा कहीं पहुंची पारिना जानपार आकलन करती कहते कि पूरा बे ऑफ बंगाल पूरा पाख एरिया जो हवाड़ी खटी पूरा मुहाण को पूरा लगिक रही जगह रही तो सर जिते बहुत वर्तमान सुधा से जगह को रिचेबुल पहुंची पारिना पहुंचापी कौन के जलपथ देखी कौन जी के सुधा पहुंचे से जगार स्थित कौन देखिए जेहेतु कि इको टूरिज्म साइट रही कौन से तार स्थिति अच्छी माध्यम जोगाजोग जेहेतु से जगटा बात्या डेंजरस थिला से आम स्टाफ जी भी थिले से जगार डीएफओ सर निर्देश से स्टाफ को इवाकुएट कर तार जीवार पथ हूँ गोटे हूँ जलपथ केवल जगह हूँ गुप्ती गुप्तीरु बाय बोट एपट जा बाउंशगड़ रिभर से जेठी ओल्लैले से जगह पहुंची पारे जेहेतु वर्तमान परिस्थिति माने पागर परिस्थिति भल ना माने वर्षा चली पवन भी चली बाय बोट आम के आप्रोच करें सुधा यहाँ माउथ अच्छी बाय बोट से आप्रोच करहब ना तापर दुईरे होची कथा जेहेतु आमर माने बात्या प्रिकॉशन नहीं आम बोट गुराक सब बंधाई उपरे रखाई जाइए काले बोट बाड़िया बाड़ी हो बुड़ी जाई पार था से आम बोट गुराक सेफ्टी भाव रखीचु ये जो पागटा क्लीयर हेला बोट खोलू और जगार जा
ଦେଖିପାରିବୁ କଣ ସାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ପାଗ ଟିକେ ସଫା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକନିକାର କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ କି ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଏମିତି ଆକଳନ ହେଇଛି କି କେମିତି କଣ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ମାନେ ମେସେଜ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ତିନିଟା ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଅଧିକା ପାଣି ହେଲା କାଳେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଲୋକାଲ ଭିଲେଜ୍ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ତତ୍ପର ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରର ଘଟଣା ପରେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଆମର ଲୋକାଲ ଭିଲେଜ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେଲା, ରଗଡ଼ାପାଟିଆ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେଲା, କିମ୍ବା ଡାଙ୍ଗମାଳ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେଲା, ସବୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାଜୁଆଲିଟିର ମେସେଜ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭିତରକନିକା ଏସିଏଫ୍ ମାନସ ଦାସ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି, ହବାଳି ଖଟି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଗ ଆହୁରି ସଫା ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଳପଥରେ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ପାଗ ଆହୁରି ସଫା ଦରକାର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉପରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଆକଳନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଏସିଏଫ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ରହିଛି, କୌଣସି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏସିଏଫ୍ ଭିତରକନିକା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।